इस धरती पर तू जीना चाहो तो औरों से कुछ और कर। इस धरती पर तू जीना चाहो तो औरों से कुछ और कर। किताबें हैं पर और ढूंढो, दिल जो चाहे कभी उसे भी चुनो। चुप रहने का लगन ना सोच कुछ करने का, ये वक्त नहीं चुप रहने का लगन ना सोच कुछ करने का। तुझे घेर रखे हैं हजारों अवसर, हाथ बढ़ा शुरू कर लो सफर। समझ लो तुम्हारा किस्मत ही खराब है, हजारों लाखों कोशिश कर लो लेकिन जब भाग्य खराब रहता है ना, कुछ नहीं होने वाला, भाग्य का खेल है बेटा। समझ लो सरकारी नौकरी तेरे भाग्य में है ही नहीं। यदि 60-70 हजार रुपए से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है तो फिर घबरा क्यों रहे हो? किस्मत बदल जाए तो ऐसे 60-70 हजार रुपए जिंदगी भर कमाएगा, लेकिन पैसे के चलते यदि आप प्रतिकार नहीं करेंगे तो फिर बहुत बड़ी गलती कर बैठोगे बेटा। बचपन से वो पढ़ाई में अव्वल रहा है, बस ग्रहों की चलते उसे नौकरी नहीं मिल रही है। अब उसके बाप होने के नाते क्या मैं इतना भी नहीं कर पाऊंगा? उसकी जिंदगी को दिशा दिखाने के लिए मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं करूंगा। जमीन बेच के गिरवी रख के भी मैं रुपये लाऊंगा अपने बेटे के लिए। आज मैं आप लोगों के सामने सफलता और असफलता के डिफरेंस, यानी कि इन दोनों में फर्क क्या है वो बताना चाहूंगा। कुछ लोग क्यों सफल होते हैं और कुछ लोग क्यों असफल होते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? भाग्य, और वो है दक्षता, जिसे हम स्किल कहते हैं, अथवा कौशल। कौशली लोग असफल हो ही नहीं सकता, कम से कम कौशली लोग किसी के अनुग्रह पर जी ही नहीं सकता। कभी मन में, आप लोगों के मन में ये बात आई है क्या कि हमारे देश में शिक्षित बेरोजगारियों की मौजूदगी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि किताबी शिक्षा तो उन लोगों ने ली है पर दक्षता कौशल नहीं है उनमें। इसलिए बहुत लोग आप लोग ऐसे पाएंगे जो कि अपने दक्षता यानी कि स्किल के बलबूते पर सफल हुए हैं, सकित रह जाएंगे ये जानकर कि उनमें से बहुत सारे लोग शिक्षित हैं और बहुत सारे अशिक्षित हैं। इसलिए हम सबको, हर एक को अपना अपना हुनर, अपने अपने इंटरेस्ट का पता करना चाहिए और उस विषय में कौशल यानी कि स्किल को डेवलप करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, सीखना चाहिए। हमें सीखना चाहिए वो काम जो हमें अच्छा लगे। आप महिलाएं अचार बनाना, फल का उत्पादन करना, बुनकरी, पशुपालन, ड्राइविंग आदि बहुत सारे जो कौशल है आप विकास करके स्वावलंबी हो सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें आप लोग रुचि रखे होंगे, हर रुचि को बढ़ावा दी जा सकती है ताकि हम सब अपने कौशल को इस्तेमाल करके अपने पैरों पर खड़ा हो सके। सरकार ने भी ये बातें अच्छी तरह महसूस की है। हर एक नागरिक को प्रत्याशन एवं प्रशिक्षण देने के लिए आगे आई है ताकि हम अपनी दक्षता कौशल को विकसित कर पाए, बढ़ावा दे पाए। और आप सबको ये जानकर बहुत खुशी होगा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
हमारे कौशल वृद्धि की तरफ ध्यान पूरे जोर से लगाई है और हमारे लिए ले आई है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। और ये योजना हर मुमकिन सहाय करेगी हमारे कौशल विकास की तरफ में। और ये निपुण दक्षता यानी कि स्किल हमें रोजगार देगी, काम हमें ढूंढ कर आएंगे। और ये सब इसीलिए मुमकिन होगा क्योंकि हम कौशली होंगे। ये लो, आ गया हमारा दिलीप। ये ले। अरे तुझे क्या हो गया रे भाई, ये अजीब सा मुंह बना करके क्यों खड़ा है? क्या ललिता की शादी किसी और के साथ तय हो गई है, इसीलिए तुम्हें इतना दुख हो रहा है? तू चिंता ना कर दिलीप, हम जैसे बेरोजगारों की एक जैसे प्रेम कहानी, तुम्हारी जिंदगी से एक ललिता जा रही है, लेकिन मेरे जिंदगी से अब तक तीन तीन ललिता निकल चुकी है। तू दुख ना कर बेटा, दुख ना कर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। यार हम लोग बहुत गलत कर रहे हैं, बेकार यहाँ ये सब करके हम लोग अपना समय गवा रहे हैं। अरे क्या बक रहा है, यहाँ ना बैठूं तो और क्या करूं, कौन सा पेड़ उखाड़ूं? ऐसी बात नहीं है, अभी अभी एक मीटिंग से आ रहा हूँ और उस मीटिंग में मेरा पूरा भ्रम टूट गया। और चंपक, तू तो बीए पास है, हाँ, फिर भी बेरोजगार है, पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ पढ़ाई है, कौशल नहीं है। अरे तुम्हें क्या हो रहा है यार? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में जानते हो? यार घंटे दर घंटे यहाँ बैठकर लूडो खेल के अगर दूसरे देशों के बारे में बातें करते रहोगे तो ये सब बातें कैसे पता चलेगा? चलो, मेरी तो किस्मत अच्छी थी जो आज जाके मेरा पूरा भ्रम टूट गया। अरे भूमिकाएं छोड़ो, तुम खुल के बताओ क्या हुआ है। एक समीक्षा के अनुसार हमारे देश में शिक्षितों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके मुताबिक दक्षता यानी कौशल वृद्धि एवं कौशल विकास नहीं हो पा रही है। लेकिन एक देश की तरक्की के लिए ऐसे कौशली लोगों की बहुत जरूरत है, और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने 16 जुलाई 2015 से शुरू की थी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अरे छोड़ यार, ऐसी योजनाएं बहुत आई और बहुत गए, हम बेरोजगार थे, बेरोजगार है और बेरोजगार ही रहेंगे। पूरी बात सुन तो ले, ये योजना अलग है। हमारे पसंद के अनुसार हम कौशल विकास केंद्र जाके प्रशिक्षण लेके हमारे कौशल विकास कर सकते हैं, और वो भी मुफ्त। और हम किस विभाग में प्रशिक्षण लेना चाहते हैं और उसके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस खोल के रखे गए हैं। चाहो तो मैं तुम लोगों को एक आदमी से मिलवा सकता हूँ, सारी गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगे। मैं एक मैट्रिक पास, वहां जाके क्या करूंगा भाई, ये डिग्रीधारी इसे ले जा। सरकार हमारे जैसे कम पढ़े जैसे मैट्रिक पास एसएस पास वालों के लिए खास ध्यान रखे है, पर्याप्त प्रशिक्षण के जरिए हमारे जैसे कम पढ़े लिखे लोगों के लिए कैसे रोजगार की सुविधा हो सकती है, इसे तैयार करना ही इस योजना का अन्यतम लक्ष्य है। आ जाओ बैठो।
जो मेरे पास इतने आग्रह से आए हो, इसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई है। आपने तो मीटिंग में बहुत सारी बातें बताया था, लेकिन ये लोग वहाँ पे नहीं थे और मैं भी थोड़ा भावुक हो गया था, तो कुछ बातें मेरे समझ में नहीं आया। अगर विस्तारित रूप से आप बता देंगे तो हम लोगों का बहुत फायदा होगा। क्यों नहीं, जरूर बताऊंगा। मैंने जो बताया था उस योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने विभिन्न योजनाओं में आवश्यक कार्यकर्ता को देखते हुए प्रशिक्षण दे रही है। प्रशिक्षण देने के बाद युवाओं को विभिन्न सरकारी कार्यक्रम जैसे कि मेक इन इंडिया योजना, डिजिटल भारत प्रोजेक्ट, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत नौकरी दी जा सकती है। अच्छा। तुम लोग यदि इच्छुक हो तो हमारे पास ही एक कौशल विकास केंद्र है, वहाँ जाकर तुम लोग फॉर्म भर लो, जो जिस विभाग को पसंद करते हो वही चुनो और ऐसे उस विभाग पर कौशल वृद्धि एवं विकास कर पाओगे। वैसे इन केंद्रों में किस तरह की कौशल के बारे में सिखाई या बताई जाती है? समझ लो किसानों के लिए खेती की विभिन्न पद्धति एवं दिशाओं पर प्रशिक्षण। कोई अगर मैकेनिकल विषय पर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वो भी दे रही है। कोई अगर फूड प्रोसेसिंग के बारे में जानना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, वो भी दे रही है। हर विषय पर ट्रेनिंग दी जा रही है, वो भी मुफ्त। और उसके उपरांत कोर्स खत्म होने के बाद एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और साथ में ₹8,000। और ये सब पाने के लिए कोर्स कम्प्लीशन परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इस सर्टिफिकेट की मान्यता? ये सर्टिफिकेट सभी जगहों पर मान्य होगा, ये भारत सरकार की गारंटी है। खुशी के बाद ये भी है, एक बार वो प्रशिक्षण लेके सर्टिफिकेट मिल जाए फिर अपना अपना धंधा शुरू कर सकती हूँ। और जिसके लिए भारत सरकार 5,000 से 1.5 लाख तक लोन मुहैया करवाए। अरे आज तक इतनी सारी बातें हम लोगों से छुपी कैसे थी? सरकार हम जैसे लोगों के लिए इतना कुछ करना चाहती है और हम समय नष्ट करने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे। अब जब जानकारी मिल ही गई है तो देर किस बात की, इन सुविधाओं का लाभ तो उठाना ही पड़ेगा। सरकार ने 2019 तक 1 करोड़ युवक युवतियों को प्रशिक्षण देने की ठान ली और इस योजना की कुल व्यय 1500 करोड़ रुपया। इतना सारा खर्चा सरकार इसलिए कर रही है ताकि हमारे युवक युवतियाँ कौशली बने, अपने अपने क्षेत्रों पर पारंगत हो। ऐसा करने से ही हमारा भारत देश तेजी से तरक्की के राह पर चल पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। दरअसल धन्यवाद की हकदार हमारी सरकार है। और एक बात, सरकार ने तो दी है, अब लेने की बारी तुम्हारी है। अपने अंदर की कौशल को पहचानो और उसे वृद्धि करो और सही दिशा पर चल पड़ो भाइयों, यही समय है तुम लोगों की। सुनो रवि, जब तक लोगों के मन में भय रहेगी, देश में बेरोजगारी रहेगी, शिक्षित और अशिक्षित में अंतर रहेगा, तब तक हमारा धंधा आराम से चलेगा। कोई चिंता नहीं। सही कह रहे हो दादा, एक बार मन में भय पैदा करो और फिर उसका प्रतिकार बताओ, यही तो करते आ रहे हैं आप। वो किताब ज्योतिष के पढ़कर आप बहुत अच्छे धंधा कर रहे हैं। बोलो मत। इस डर की वजह से लोग रास्ते का पत्थर भी ₹1,00,000 में खरीद के धारण कर लेगा। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक बार किसी के चेहरे पर दिख जाए तो बस समझ लो मेरा काम हो गया। इन्हीं सब को बेवकूफ लोग प्रतिकार की उपाय समझते हैं। समझने दो उन्हें, हमारा ही लाभ होगा। अरे मैं क्या,
मेरा पोता पोती भी आराम से ये धंधा चलाकर जिंदगी गुजार पाएंगे। बस लोगों के मन में भय रहे और देश में बेरोजगारी भी। अरे हमारे देश से तो बेरोजगारी कभी नहीं मिटेगी, इसीलिए हम भी आराम से जीवित रहेंगे। और एक बात सुन, हमारी ये विद्या भी आसान नहीं है। सोटीमो बोरी बात दादा, और आपका विद्या तो बहुत ढूंगी विद्या। आप ही तो उस दिन कह रहे थे। चुप रहो बेवकूफ। मैंने पढ़ाई नहीं की, इसलिए थोड़ा बहुत सीखकर ये धंधा अपनाया। और सुनो, हमारे पूर्वज इस विद्या में निपुण थे और मुफ्त में उपाय दिया करते थे। राज ज्योतिषी थे हमारे पूर्वज। इस शास्त्र को एक अटूट शास्त्र कहा गया है। यदि ठीक से अध्ययन किया जाए तो कुछ भी हो, आप तो आप ही हो ना। जब तक आप इस नादान को अपने साथ रखेंगे मैं खुश। हमें आपके अध्ययन या पढ़ाई से क्या लेना देना है। तू चिंता मत, इस बार तेरी नौकरी लगेगी ही लगेगी। वो कैसे पिताजी? ज्योतिष दादा ने जो रत्न के लिए बोले हैं वो तुम्हें हम देंगे। समझो पैसों का जुगाड़ हो गया। पर 60-70 हजार रुपए आए कहां से पिताजी? बाप हूं मैं तेरा, वो चिंता मेरी है। पर मेरे पीछे खानदान का दीपक तू ही है, इसलिए तुम्हें बोल ही देता हूँ पैसे कहां से आएंगे। जमीन का एक हिस्सा बेचकर मैं रुपयों का इंतजाम करूंगा। क्या चिंता चोर, तेरे अच्छे दिन आने पर ऐसी जमीन और खरीद ली जाएगी। पर तेरा ये चेहरा देखना हमारे लिए उचित नहीं है बेटा। अब जा, एक नई जिंदगी की शुरुआत कर। आपको फिर से बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आपने हमें इतनी अच्छी तरीके से कौशल विकास के बारे में समझाया। ये तो हम लोगों ने सिर्फ एक ही योजना के बारे में चर्चा की है, ऐसे बहुत सारे योजनाएं हैं हमारे समाज में हर वर्गों के लोगों के लिए, जिससे हम लाभान्वित हो सकते हैं। आप ठीक कह रहे हो दादा। देखो मैं एक समाज सेवक हूँ, मुझे जितना मुमकिन हो मैं करते आया हूँ। मैंने जो आप लोगों को बताया इन सब बातों को मैं चाहूंगा कि आप लोग भी 10 लोगों तक पहुंचाएं, और वो 10 लोग और किसी और को। सरकार योजना लागू करती है सही, लेकिन इन सब बातों को घर घर में जाकर समझाना सरकार के लिए संभव नहीं है। इसलिए हम सब जानकारों का ये जिम्मेदारी है कि ये सब बातों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाए। हमारे राष्ट्र का इस मुहिम को हमें ही आगे ले जाना होगा और एक आंदोलन में परिवर्तित करना पड़ेगा, विकास का आंदोलन। और इस आंदोलन में हम लोगों की भूमिका अहम रहेंगे। हमारे गांव में ऐसे बहुत शिक्षित लोग हैं, पहले हम जाकर उन्हें जानकारी देते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनमें प्रतिभा है पर उसे विकसित करने की उपाय पथ ढूंढ नहीं पाते हैं। हम सब में कुछ ना कुछ प्रतिभा जरूर है लेकिन उसे पहचान नहीं पाते हैं। उसे अभी पहचानना है और तराशना है। और अपने साथ साथ और 10 जनों की भलाई तो होनी ही है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया भैया। चाचा जी जरा सुनिए। अरे तुम लोग तीनों यहाँ आज लूडो नहीं खेल रहे हो क्या? बोर्ड फट गया क्या? नहीं चाचा जी, असल में हमारे कानों में एक बात पड़ी है। क्या वो सच है चाचा जी? कौन सी बात? आप जमीन बेच के अमल के लिए एक अंगूठी बनवाना चाहते हैं, और वो भी उस ढोंगी ज्योतिषी की बात सुनकर। आप चिंता ना करो चाचा जी, ये गांव है, यहाँ कोई बात छुपती नहीं है, और यहाँ के लोगों का स्वभाव बात किसी ना किसी तरह फैल ही जाता है।
देखिए चाचा जी, आप ऐसा वैसा कुछ मत कीजिए। एक नौकरी नहीं मिली तो क्या, जिंदगी खत्म तो नहीं होगी ना। और अमल बहुत समझदार लड़का है, कुछ ना कुछ कर ही लेगा। आप उस ढोंगी की बातों में आकर ऐसा वैसा कुछ मत कीजिए चाचा जी। तुम लोगों के मुंह से आज इतनी बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बात कैसे टपक रही है भाई? हाँ पता है, हम घंटों चौक में बैठकर लूडो खेलने वालों की बातों में वो वजन कहाँ। फिर भी आज दिल से कुछ कहना चाह रहे हैं, कृपया सुनिए। गलती मेरी ही है, मेरे ही गलती की सजा तुम आज भुगत रहे हो। मैंने ही तुम्हारे दिमाग में डाला था कि सरकारी नौकरी के बिना जिंदगी अधूरी है, पर तुम्हारी इच्छा तो कुछ और थी ना। तुम्हारा प्रेम तो कंप्यूटर था ना। मैट्रिक पास करने के बाद तुम्हें जब कंप्यूटर मिला था, उसे घर लाने के बाद तुम कितने खुश थे, मुझे अभी भी याद है। गांव में किसी के कंप्यूटर में खराबी आने पर वो तुम्हारे पास ही दौड़ के आते थे और तुम उसे खोल खाल कर ठीक भी कर देते थे। मैंने ही तुम्हें गाली गलौज करके तुम्हारा ध्यान हटाया। पर आप आज ये सब मुझसे क्यों कह रहे हैं पिताजी? मैंने तब जो भूल किया था उसकी भरपाई करने का कोशिश कर रहा हूँ बेटा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत जाके कंप्यूटर का कोर्स कर ले, तुम्हें वो क्या कहते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर बहुत पसंद है ना, उसी का एक जाके कोर्स कर ले। पर नौकरी? मैंने खबर की है, एक बार सफलतापूर्वक प्रशिक्षण हो जाए नौकरी की भी व्यवस्था है। सरकार ये कह रही है मैकेनिकल या तकनीकी विषय में दक्ष सक्षम युवक युवतियों को जिंदगी भर नौकरी के लिए चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हमारे देश को कौशली नौजवानों की जरूरत है। अभी ऐसे दुखी होके मत बैठ, अपने अंदर जो प्रतिभा है उस पर और प्रशिक्षण लेके उसको विकसित करो और स्वावलंबी बनो। एक लौटे बेटे हो, जमीन जायदाद खेती बाड़ी ये सब तो है ही हमारे पास। पर आपको इन सब के बारे में कैसे पता चला? बाप हूँ मैं तेरा, इसीलिए खबर रखता हूँ। हमारे गाँव के युवक युवतियाँ इस मुहिम पर कूद पड़े हैं। सरकार भारत को जो एक कौशली राष्ट्र का रूप देना चाहते हैं, उस आंदोलन का जाके हिस्सा बनो। अब जाके फॉर्म भरो, राष्ट्र निर्माण का हिस्सा बनके हमें गौरवान्वित करो। इस धरती पर तू जीना चाहो तो औरों से कुछ और कर। इस धरती पर तू जीना चाहो तो औरों से कुछ और कर। किताबें हैं पर और ढूंढो, दिल जो चाहे कभी उसे भी चुनो। रहने का लगन ना सोच कुछ करने का, ये वक्त नहीं चुप रहने का, लगन ना सोच कुछ करने का। तुझे घेर रखे हैं हजारों अवसर, हाथ बढ़ा शुरू कर लो सफर।